ये नीतीश सरकारी लोग कहे हुए हैं कि हमको महीना का 20 लाख रुपया चाहिए ये जिला प्रशासन से, और चुनर 50 लाख का जो गाड़ी होता है 1 करोड़ का, कभी देखे हैं कभी चलान करते हुए, उनको हिम्मत नहीं है। ये लोग के माँ बहन को ये लोग का हाई लगेगा, और ये लोग के बाल बच्चा ये लोग खुद कभी खुश नहीं रहेंगे। ये लोग खून का आंसू रोएंगे, जैसे रुला रहे हैं वैसे खुद वो रोएंगे। हम लोग यहाँ से जाते हैं तो वहाँ भी दर्शकों की बात सुनते हैं कि कौन सा कर्म किया था जो आप लोग से हमको शादी हो गया। यहाँ प्रशासन इधर नोच रहा है, हम लोग का जो है दुधारू गाय समझता है, पकड़ो और हलाल कर लो। ऑटो नहीं चला रहे हैं, 3 दिन से महाजन गिर गया है सब, अब उसका भरपाई कौन करेंगे? मेट्रो कंपनी वाले करेंगे कि नीतीश जी करेंगे? हम लोग को तो गाड़ी डेली कमाना है, डेली महाजन लोग को देना है। ठीक है, हम ऊपटी जाने के लिए तैयार है, आप रेलवे स्टेशन के गेट बंद कर दीजिए, ऊपटी कर दीजिए, हम लोग वही पट्टी रहेंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना जंक्शन पर एक ऐतिहासिक टेम्पो स्टैंड है। अगर आप पटना में रहते हैं या फिर बिहार के रहने वाले हैं तो आप आहुमन पटना जंक्शन से जब बाहर निकलेंगे तो ये ऑटो स्टैंड आपको नजर आएगा। ये टाटा पार्क के नाम से जाना जाता है, मगर अब यहाँ पर जो ऑटो लगते हैं इनको अब आदेश दे दिया गया है खाली करवाने के लिए। हमारे साथ कई ऑटो चालक है। ये जो ऑटो चालक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कुछ ऑटो चालक है जो 40 साल 50 साल 16 साल 30 साल 35 साल से ऑटो चला रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 3 दिनों से इन लोगों ने ऑटो नहीं चलाया है, घर पर परिवार पर बच्चों पर कितना असर पड़ेगा, पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिनों से तो आप लोग ऑटो नहीं चला रहे हैं। 3 दिनों से ऑटो नहीं चला रहे, इधर लीजिए ना। 3 दिनों से ऑटो नहीं जी 3 दिन से ऑटो नहीं चला रहे हैं, जब से घेराबंदी हो गया है। हम लोग को तो डर समाया हुआ कि कब यहाँ पर क्या करके हम लोग को निकाल देगा इसका कोई। हम लोग कितने साल से ऑटो चला रहे जी? हम लगभग 15-16 साल से गाड़ी 15-16 साल से ऑटो चला रहे। 3 दिन से तो घर में भी दिक्कत, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बयान नहीं कर सकते हम लोग को दिक्कत का, इतना दिक्कत है जो हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। क्या कैमरा के मुंह ऊपर हम लोग बोलेंगे, दिक्कत तो दिखता है, वैसे ही दिखता है। क्या क्या दिक्कत है बताइए थोड़ा, दिक्कत खाने पीना का दिक्कत है। हम लोग रूम रेंट में रहते हैं, हम लोग को रूम रेंट करीब 5,000 का रूम रेंट देते हैं, प्लस 3 बच्चा है, सबको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये 3 दिन वाला असर तो पूरे महीने पड़ जाएगा? पड़ जाएगा, एकदम पड़ जाएगा। प्राइवेट स्कूल का चार्ज जानिएगा, एक बच्चा का 1600-1500 रुपया देते हैं, 3 बच्चा का जोड़ लीजिए, करीब करीब 5,000 ये हो गया, 5,000 रूम रेंट हो गया, 5,000 खाना हो गया, 15-20 हज़ार रुपया का महीना चलता है। और 15-20 हज़ार में कम से कम 500 रुपया एक रोज का चलता है। अगर एक दिन बंद हो गया तो 500 या 1500 रुपया मतलब एक्स्ट्रा कल के लिए पड़ जाएगा। बसरते बात तो ये भी ना है कि कल हम कहाँ चलाएंगे, अगर ये बंद हो जाएगा। सीधे बोल रहा है कि सरकार ऊपटी जाओ, ऊपटी ठीक है, हम ऊपटी जाने के लिए तैयार है, आप रेलवे स्टेशन के गेट बंद कर दीजिए, ऊपटी कर दीजिए, हम लोग वही पट्टी रहेंगे। आप रेलवे स्टेशन का गेट यहाँ से 1 नंबर आप बंद कर दीजिए, हम ऊपटी चल जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? जहाँ सवारी रहेगा वहाँ हम रहेंगे, जहाँ हम रहेंगे वहाँ सवारी नहीं रहेगा तो हम रहने का फायदा क्या? आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? हम तो सर चला रहे हैं वही 1990 से, नहीं कितने से चला रहा है? 92-93 से चला रहे हैं सर। 92-93 से जी चला रहे हैं। किसकी किसकी सरकार आपने बिहार में देखी? हमने तो लालू जी की सरकार देखी फर्स्ट में, लालू जी की सरकार। बोलिए। उस समय से ऑटो चला रहे हैं, ड्राइवरी करते हैं हम, ऐसा बात नहीं है। आज स्थिति ऐसा आ गया है, आज ऐसा स्थिति आ गया कि मेट्रो के नाम पर हम लोग को धक्का मारकर बाहर निकालने का काम कर दिया जा रहा है सरकार, नीतीश जी का सरकार में। यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब हम लोग का देख लीजिए क्या करने का उम्र है, किसी का छीन नहीं सकते हैं, किसी के ऊपर जवाब नहीं दे सकते हैं, मेहनतें करके 2 पैसा रोटी इज्जतें से न कमाने का चाहेंगे और क्या कर सकते हैं। 3 दिनों से क्या दिक्कत हुआ घर में? 3 दिनों से तो ऑटो नहीं चला रहे हैं, 3 दिन से महाजन गिर गया है सब, अब उसका भरपाई कौन करेंगे? मेट्रो कंपनी वाले करेंगे कि नीतीश जी करेंगे? हम लोग को तो गाड़ी डेली कमाना है, डेली महाजन लोग को देना है, इधर उधर डेली कमा रोजी रोज का है तो हम लोग का। कितने साल से आप ऑटो चला रहे हैं? जी हम 16 साल से चला रहे हैं। 16 साल से चला रहे हैं, बहुत कम से कम 70 के बाद से चला रहे हैं आप, 16 साल से चला रहे हैं क्या? हम सर 16 साल से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन 16 साल से हम यही देख रहे हैं कि जितने भी प्रशासन आया है, जितने भी सरकार है, सरकार तो एक ही को देखे हैं, नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार भी जो है
ये टेम्पू वाला को जो है, ठेला वाला को, रिक्शा वाला का ये दुश्मन है। ये इनका जो पटना में जो अफसर जो है, प्रशासन जो है, 10 साल से 12 साल से यहाँ पर विराजमान है। अब वो क्या काम करते हैं, वो नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं। वो मन चाहा गाड़ी को पकड़ते हैं, एक के बार 40 गो 50 गो, और सबके गोल घर में जो है ओका घुसा देते हैं। आप चलान करते हैं, किसी को 15,000, किसी को 22,000, किसी को 18,000। आ उनकी जिनकी गाड़ी पकड़ाती है उनकी कोई जान पैरवी नहीं होता है। पटना में कितने ऑटो चालक होंगे पूरे? पटना में हम सर आपको बता रहे हैं, सर वही बता रहे हैं, 35,000 है। लेकिन आप पहले कहानी सुन लीजिए, जिनकी जो वो गाड़ी पकड़ के जो गोल घर में अंदर कर देते हैं, और यहाँ का सर्जेंट है, यहाँ का ट्रैफिक, ये पकड़ पकड़ के, आप गलती करो या ना करो, आपको गाड़ी पकड़ के थाना में बंद कर दिया जाता है। 15,000 22,000 18,000। और जिनकी गाड़ी पकड़ाती है उनकी कोई पैरवी नहीं होता है, उनके बड़े लोगों से पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो कमाने खाने वाला वो आदमी होता है। वो क्या करते हैं, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बेटे, वो जाते हैं DSP साहब के चैम्बर में, मेजर साहब के चैम्बर में, आप वो लोग फरियाद करते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 18,000 रुपया नहीं है, मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है, एक बार माफ कर दीजिए, हम दोबारा हमसे गलती नहीं, गलती है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो गलती को वो मान रहे हैं। लेकिन वो लोग हंसते हैं, वो लोग ऑटो वाला पर, रिक्शा वाला पर, वो लोग हंसते हैं, ठिठियाते हैं, और उनके गाड़ी नहीं छोड़ते हैं। वो लोग किसी तरह से पैसा अर्निंग करके वो लोग गाड़ी छोड़ा रहे हैं, आइया तो उनकी थाना में ही गाड़ी लगा रहता है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस एक ही मतलब है, इन लोग को बर्बाद कर दो, इन लोग का तोड़ दो, ये लोग इतना इन लोग को सताओ कि ये लोग बोलने का भी, खड़ा होने का भी मतलब कि हिम्मत नहीं करा। हम लोग का काला चिट्ठा खोले नहीं, इतना नाजायज कर रहे हैं। यहाँ जो सर्जेंट जो है, ट्रैफिक जो है, 24 घंटा ड्यूटी होता है। 5 बजे भोर में आपको गाड़ी पकड़ लेगा, 6 बजे 12 बजे रात में, पहले जो है पहले 9 बजे के बाद कोई नजर नहीं आता था, गाड़ी वाला ने फिक्र रहता था, वो जन्ने से मन करता था, वो सवारी लेके चला जाता था। लेकिन अब जो है उनको डर लगता है कि कहाँ पर पकड़ लेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने प्रशासन है, और ये नीतीश सरकार है, ये नीतीश सरकार ही लोग को कहे हुए हैं कि हमको महीना का 20 लाख रुपया चाहिए, ये जिला प्रशासन से, तो ये क्या कर रहे हैं कि बड़ा गाड़ी वाला को तो फाइन करेंगे नहीं, फॉर्चूनर 50 लाख का जो गाड़ी होता है 1 करोड़ का, कभी देखे हैं कभी चलान करते हुए? उनको हिम्मत नहीं है, उनको यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, नौकरी खत्म हो जाएगी। पूरा गुस्सा है। आओ एक मिनट आओ, और ये लोग जो सता रहे हैं गरीबों के, ये लोग के माँ बहन को, ये लोग का हाई लगेगा, और ये लोग के बाल बच्चा, ये लोग खुद कभी खुश नहीं रहेंगे, ये लोग खून के आंसू रोएंगे, जैसे रुला रहे हैं वैसे खुद वो रोएंगे। ये बड़ा अफसर बनकर भी जो है ये गरीबों को सताने का काम किया है, वो लोग कभी खुश नहीं रहेंगे, वो लोग भी खून का आंसू रोएंगे। दिक्कत है आप लोगों के घर में, बहुत दिक्कत है। हम लोग यहाँ पर है तो हम लोग के बच्चे सोच रहे हैं कि पापा आएंगे तो हमको पैसा देंगे तो हम बिस्कुट लेंगे, पत्नी देख सोचती है कि आएंगे तो सब्जी लेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी 10 गो बात सुनते हैं कि कौन सा कर्म किया था जो आप लोग से हमको शादी हो गया। कौन बोलता है? अरे हम लोग की पत्नी बोलती है, लेकिन यहाँ सरकार, यहाँ प्रशासन गिद्ध है, नोच रहा है, हम लोग का जो है दुधारू गाय समझता है, पकड़ो और हलाल कर लो। वो उनको ये नहीं लगता है कि गरीब आदमी है, 500 रुपया कमाने वाला है, इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, माँ है, बाप है, इनको पढ़ाई लिखाई है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, बस इनको हलाल। आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 87 से चला रहे हैं। 87 के बाद कभी उधर आप गए होंगे, फिर यहाँ आए? पहले रोड पर थे, चांदनी चौक के पास, और वहाँ से यहाँ लाया गया, और यहाँ से फिर जो है कि जेल जब टूटा था तो जेल के पीछे लाया था, और उसके बाद फिर इसमें आए। घर में 3 दिन से खाना कैसे बन रहा है? मैंने ये वही कर्जा गिर रहा है,
और कहाँ से दिक्कत है? दिक्कत नहीं रहे, हट जाएगा तो और दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। और ऐसा उम्र हो गया है कि हम दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उम्र ज्यादा हो चुका है, 40 साल 50 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, और अब इस ऑटो स्टैंड को हटाने की बात कही जा रही है, अब इसको हटाकर कहीं और शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, अब जिसको लेकर इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। घरों में दिक्कत है, लोग ताने मारते हैं, बच्चे बिस्किट के लिए तरस जाते हैं, ये लोग कह रहे हैं, भावुक हो चुके हैं। अब देखना है कि क्या जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों के हित में कोई एक्शन होता है या फिर इस ऑटो स्टैंड को हटा दिया जाता है। इस खबर में बस इतना ही, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।